मैं भी चौकीदार हूँ कि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने दिखाई भारी जोश। काशी प्रांत के अध्यक्ष रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित विधायकों पार्टी अधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने दिखाई भारी जोश। मिर्जापुर के कौन ब्लॉक में प्रधानमंत्री के सबसे लोकप्रिय नारा है मैं भी चौकीदार हूँ का कार्यक्रम एक कॉलेज परिसर में जुटे युवाओं में भारी जोश दिखा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री को लाइव सुनकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह सहित पार्टी जिलाधिकारी पदाधिकारी और बुनकरों को उत्साह दिखा। कार्यक्रम में लाइव देश के प्रधानमंत्री से सीधे बात कर प्रश्न पूछने का अवसर आम जनता को मिला। क्या नाम है आपका? शिवम श्रीवास्तव। शिवम जी, आपकी कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? क्या खुशी मिला? नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा है मैं भी चौकीदार। क्या सीख मिला आपको? इससे सीख मिली कि अगर हर व्यक्ति चौकन्ना होगा, हर व्यक्ति जागरूक होगा, तो देश से भ्रष्टाचार भागेगा। देश के प्रधानमंत्री ने जब पूरे देश से आह्वान किया कि मैं भी चौकीदार, तो निश्चित ही पूरा देश चौकीदार है। जिस दिन पूरा देश जागेगा, उस दिन भ्रष्टाचार देश से भागेगा। आप भी चौकीदार अपने आप को मानते? बिल्कुल, मैं भी चौकीदार। जब इस देश का प्रधानमंत्री चौकीदार, तो इस देश का हर नागरिक चौकीदार। मेरा यही कहना है कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, एक तरह से पूरे 130 करोड़ देशवासियों का उन्होंने अपमान किया था। आज 130 करोड़ देशवासी पूरा का पूरा चौकीदार हो गया। अब चोर लोगों जो हैं, कहने वाले वही चोर हैं, उनको भगा देगा देश से, और उनको आने वाले वक्त में 2019 बाद जेल भेजा जाएगा चोरों को। जी भाई साहब, आज मैं हूँ चौकीदार का प्रोग्राम चल रहा है, कैसी खुशी लग रही है आप लोग? आज पूरे देश में 500 से अधिक जगहों पे ये कार्यक्रम मैं चौकीदार हूँ का चल रहा है, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं इस समय वर्तमान में। और प्रधानमंत्री जी का ये आत्मबल है, उनकी ईमानदारी है, उनका चरित्र है, और उसने साबित किया। राहुल गांधी ने जो कहा चौकीदार चोर है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने आवाज़ दिया कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो पूरा देश उनके साथ आज खड़ा है, और पूरा भारत उनके साथ आज खड़ा है और कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ। आप बताइए, तो जो चौकीदार इतने खड़े हो गए हैं, तो चोरों का भागना स्वाभाविक है।